ओके ओके ओके, एक बार सब लोग मुझे ये बताओ क्या मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, पहले मैं भी चेक करता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। सबसे पहले वॉइस चेक करनी चाहिए मेरे भाई, वॉइस वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है सही से। ओके ओके ओके, एक ठीक बार है, सब लोग मुझे ये बताओ क्या मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक हेलो हेलो हेलो, सेकंड पहले रुक मैं भी जाना। चेक आ करता रही हूँ, है आ एक रही है सेकंड आ रुक रही जाना। है। सबसे पहले वॉइस सबसे चेक पहले तो मैं करनी आवाज़ चाहिए ही मेरे चेक भाई, करता हूँ मेरे भाई कि वॉइस वगैरह वॉइस आ का रही कोई है पंगा कि नहीं नहीं आ पड़ना रही है। चाहिए। सही है, चलिए ओके ओके तो ओके, एक बार ठीक सब लोग है। मुझे ये बताओ क्या मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं, और सभी लोगों को गुड इवनिंग है मेरे भाई। आई होप वॉइस वगैरह सब लोगों को आ रही है। हाँ, मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर मेरे भाई आप लोगों को बस पढ़ाई करने से मतलब है, और बहुत बढ़िया चीज़ एक सुनाता हूँ, सुनो, जल्दी ही जीडी की वैकेंसी आने वाली है, और मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट मंथ, अब सुन लो ध्यान से, ख्याल है शायद नेक्स्ट मंथ जून के लास्ट तक, जून के लास्ट तक एसएससी के एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे अगेन। शायद जून के लास्ट या जुलाई तक एसएससी के एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। मई तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो ख़त्म होता दिख रहा है, मतलब आप लोगों को जून का टाइम मिलने वाला है अपनी तैयारी के लिए एक तरह से। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 दिन तो मई के हो गए, 15 दिन जून के मान लो, मोटा मोटा पकड़ो तो 15 जून के बाद में अपने एग्जाम का परफेंडन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तब तक वैक्सीन का हिसाब शुरू हो जाएगा। आज भी आप लोगों को पता होगा एसबीआई में एक फार्मासिस्ट का एग्जाम था, वो उसका एग्जाम की एडमिट कार्ड आए हैं, वो पोस्टपोन नहीं हुआ, उसके एग्जाम के एडमिट कार्ड आए हैं वो पोस्टपोन नहीं हुआ। तो इस बात के चांसेस बन रहे हैं कि गवर्नमेंट चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करेगी, ठीक है ना। तो अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन है बिल्कुल, तो 15 जून के बाद या जुलाई से चांसेस बन रहे हैं कुछ, देखो बाकी क्या रहता है, होप फॉर द बेस्ट। चलो सही है। हाँ मेरे भाई, पटवारी की वैकेंसी, हाँ नौकरियां निकलने का टाइम आ रहा है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है अपनी, जीडी की वैकेंसी आने वाली है, तो मेरे भाई कमर कस लो, कमर कस लो मतलब बोले तो तैयारी कर लो। सही है, बिहार में बारिश हो रही है, सही है। चलो भैया से, मेरे भाई कोरोना का टाइम है, हाँ हाँ सर है, तो कुछ नहीं करो, महिंद्रा की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। सबसे पहले फटाफट से सुन लो सब लोग, महिंद्रा की ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को हर टाइम अवेलेबल है, 12 तारीख से नए बैच शुरू हुए हैं, आप इसमें इनरोल करा लीजिए। इवन देन एसबीआई के लिए भी नए बैच शुरू हुए हैं आप लोगों की हर टाइम स्लॉट में, इवन देन शाम में भी क्लासेस चल रही हैं, इवन देन आप लोगों के एसबीआई के लिए भी प्रमोशन है यहाँ पे, 19 तारीख से बैच शुरू है 1 से 3 में, फटाफट से इनरोल करा लो। कोई भी डाउट हो तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, वो कोई भी डाउट हो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दो, ना इस साइट पे भी जा सकते हो, अगर तब भी डाउट आ जाए तो मेरे टेलीग्राम पे कॉल कर लेना, मतलब मेरे टेलीग्राम पे पूछ लेना, क्या दिक्कत है, अपन टेलीग्राम पे तो हैं बढ़िया से, इसमें डाउट आए तो तब भी मेरे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंद्रा सीजनिंग, सब लोग लगभग लगभग जानते हैं, ठीक है ना। और ये वो स्टूडेंटों का नाम है जिन लोगों ने आंसर करा था, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत आ गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने आंसर करा था, गुड़िया कुमारी, निकिता जी, मौसम, मासूम लड़की, दीपेंद्र साहब, सत्यम जी, सुरेन जी, वंदना जी, सुधीर जी, सानिया जी, पब्लिक टॉक साहब, ठीक है, आनंद साहब, आकाश जी, हितेश जी, कृष्णा जी, विकास जी, धीरेन्द्र जी, आदर्श जी, हिमांगी जी, रोशनी जी, शिखा जी, रश्मि सोनी, प्रिया यादव, हेता जी, खुशबू जी, आजू बबीन, राधा जी, कुंदन जी, मणिपाल जी, वेदांता जी, ज्योतिका जास जी, जूही जी, बबली जी, सलोनी जी, विष्णु गुप्ता, पूजा, निकिता, रोहित, स्टडी हंट, मल्लिका, जैस्मिन, वैभव, नीलाक्षी, मोहित, अनामिका, निकिता, अश्विन, आयुषी, संदीप, आदर्श, दीप्ति, दीपाली, सबका नाम लिया है, किसी का नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है ना, ठीक है, सबका नाम लिया है मैंने, किसी का भी नहीं छोड़ा, किसी का भी नाम नहीं छोड़ा है मैंने, सबका नाम रखा है मेरे भाई। ये फटाफट से चलो पढ़ाई कर लेते हैं, सारी जानकारियाँ होंगी, ठीक है, अब बढ़िया से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम तो एक ये करो, सबसे पहले थोड़ा सा प्याज लुटा दो फटाफट से, तुरंत प्रभाव के साथ लुटा दो, लुटा दो, ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा प्याज लुटा दो, और सेशन को एक बार शेयर कर दो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, और एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो, ठम से अंगूठा दबा दो, ठीक है। हाँ दीपक भाई, आपका नाम भी लिया मैंने, दीपक भाई सबका नाम लिया, आरजू प्रवीण जी का भी नाम लिया, सबका नाम लिया, सबका नाम लिया है मैंने, एक बार देखना, सबका नाम लिया है मैंने। और आप लोगों को कोई भी डाउट आ जाए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है ना, कोई भी डाउट आए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ सब लोग प्याज लुटा दो फटाफट से, लुटा दो लुटा दो लुटा दो लुटा दो, ठीक है ना। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन था, होमवर्क था, जिसका आप लोगों ने जवाब दिया था, जो लगभग लगभग पूरी क्लास का सही था। अब फटाफट से स्टडी पे फोकस करते हैं, और जल्दी से तुरंत तेजी के साथ आंसर देने शुरू कर देना। आज एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अदर पॉइंट के भी मैंने क्वेश्चन सबके रखे हैं, जैसे सेशन रहता है, इधर की तरफ देखना। नॉर्मली इसमें क्या था सर, 5 का स्क्वायर 25 -4, 4 कैसे आया, इसका पीवीएस नंबर है, पीवीएस नंबर है 5 के, पीवीएस नंबर 5 का क्या है, पीवीएस नंबर है,
पाँच के पहले क्या आता है, चार, 25 में से चार गए तो 21 आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 7 गए तो कितना आ गया, 42 आ गया, 43 सॉरी 43 आ गया, 43 आएगा ना, 49 में 7 जाएंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा यार, ऑप्शन गलत हो गए क्या? अच्छा नहीं नहीं 7 से पहले वाला जाएगा ना, 7 के पहले जो आता है प्रीवियस नंबर है, 43 आएगा फिर, 43 आएगा, 43 इज द राइट आंसर। हाँ हाँ प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस नंबर, लुटा दिया मैंने तो प्यार, बहुत बढ़िया करा दीपक भाई, फटाफट से बहुत बढ़िया। चलो अब दिमाग लगाओ, आंसर देने शुरू कर दो, सीधे साधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे साधे तरीके से आंसर। चलो इसका बताओ, इसका क्या होगा? ओके चलो आंसर दो, सब देखो चश्मा लगा के फिर आ गए कल वाले, चलो आंसर दो सबके। तो 30 का 16 102 का क्या, पहला क्वेश्चन आसान दिया है मैंने, आसान दिया है, चलो सबके सब। हाँ सर ये तो आसान है तो बना भी रहे होंगे, हाँ हाँ खुश हो जाओ। 30 का आधा 15, 15 और 1 16, सर 102 का आधा 51, 51 और 1 52, 52 इज़ द राइट आंसर, 52 बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है अगला बताओ, इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे मेरे भाई बताएं, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे बताएं, गिनो तुरंत प्रभाव के साथ नंबर ऑफ ट्राइंगल अच्छे से, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, तो 8 तो इधर हो गए, 8 इधर हो गए, मतलब 16 हो गए। 16 के बाद मेरे भाई आप लोगों को ट्राइंगल गिनने हैं ना, तो ये तो बॉक्स है, ये तो ट्राइंगल है नहीं, ये बड़ा वाला बन जाएगा एक 17, और एक नीचे बड़ा वाला बन जाएगा 18, 18 है ना, 18 से एक ज़्यादा ना, 18 से एक कम है ना, 18 है मेरे भाई, केवल 18 है, तो 8 और 8 16, एक बड़ा वाला ऊपर एक बड़ा वाला नीचे, 18 है केवल। अगला, मोमबत्ती में बाती होती है किसमें क्या होता है, मोमबत्ती में बाती होती है किसमें क्या होता है, हथौड़े में कील होती है, नहीं हथौड़े में कील नहीं होती, लाइट में बल्ब होता है, नहीं ओवन में आग होती है, नहीं साइकिल में क्या होता है, पहिया होता है, साइकिल में पहिया इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब बनता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा। ठीक है अगेन फिगर काउंटिंग का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसका बताएं, इसका जवाब क्या बनेगा मेरे भाई बताइए, इसका जवाब क्या होगा बताओ फटाफट से मेरे भाई, राइट आंसर इसका क्या है बताएं, कितने डी आंसर आ गया, हाँ वो तो हो गया डी, इसका बताओ इसका क्या है मेरे भाई, 33 18 31 29, कितने दिख रहे हैं, 22 किलो हो गया, डी आ गया, वो सब सही है, इसका जवाब क्या आ रहा है, टाइमर बाबू ख़त्म हो गए हैं, कितने दिख रहे हैं, सूखे सूखे वाले पहले गिनो, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, सूखे सूखे वाले गिनो पहले, एक और दो मिला के कितने होंगे 3, 1 और 3 4, 4 का दुगना 8, तो 8 और 8 16 यहाँ पर होगा, और 1 और 2 3, 3 यहाँ पर हो गए, तो 16 और 6 22, और 1 और 2 इधर ले लो बड़ा वाला 3 का, तो 3 और 3 6 और 3 9, 18 और 9 25, तो यही हो गए 25, तो सूखे सूखे हो गए 25 के बाद, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ठीक है ना, कोई छूट तो नहीं रहा अपना, और 31 जवाब आ रहा है, देखते हैं यार, 8 इधर, 3 और 3 6 और 3 9, 16 और 9 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, 29 ही तो दिख रहे हैं यहाँ तक, और एक साथ दो वाले और रह गए, आप देखिए एक सेकंड मेरे भाई, दो ये वाले और हो जाएंगे, एक तो ये वाला बन जाएगा बड़ा, हाँ या ना, और एक ये बन जाएगा बड़ा, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 30, 31 इज़ द राइट आंसर, 31 बन रहे हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ सूखे सूखे 29 नहीं, सूखा सूखे सूखे 29 थे, एक बड़ा और है 31, 31 बन गए, दो बड़े वाले और रह गए ना इसलिए। चलो अगला बताओ फटाफट, फटाफट आंसर बता दो सभी लोग तेज़ी से तुरंत प्रभाव के साथ में, फिर बढ़िया क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे ऑड वन आउट छाटना है, ऑड वन आउट यहाँ पे क्या होगा, छुरी सर्जन छैनी मूर्तिकार एविल लोहार कागज किताब। सर छुरी जो है वो सर्जन यूज़ करता है, हाँ वो वाली टाइप की छुरी होती है उन लोगों की, तो वो यूज़ करता है, छैनी मूर्तिकार यूज़ करता है, एविल मतलब एक तरह से लोहार वाला सामान होता है वो भी यूज़ करता है, किताब का पेपर का बुक से कोरिलेशन नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा, बुक कागज को बुक वाला कोरिलेशन नहीं दिखेगा, बाकी सब उसके औजार हैं और जो पर्सन यूज़ करते हैं वो हैं, ये कोई औजार नहीं है। बी नहीं होगा मेरे भाई, डी होगा निंजा भाई, डी होगा डी, ठीक है ना,
इसका बताइए इसका क्या होगा, पेपर बुक का रिलेशन होगा, बिल्कुल सही। इसका क्या होगा बताएं, डॉन को 463 बोला गया है, रोम को 7612 बोला गया है, फ्रीडम को क्या बोला जाएगा? हाँ हाँ संतोष भाई बहुत बढ़िया, चलो बताओ प्लेस वैल्यू सीधे सीधे देखो और आंसर कर दो। प्लेस वैल्यू क्या तरीके से जाना है, प्लेस वैल्यू पे जाओ, डॉन की वैल्यू है 4, 15 और 14, तो अगर यहाँ पे देखो तो ये 4 तो है यहाँ पे, लेकिन 6 हो गया मतलब जुड़ गया, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता दिख रहा है, घटता दिख रहा है। तो मेरे भाई मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर, ऐड किस में हुआ सर, 6 और 401 का डिफरेंस हो गया 3, ठीक है ना। तो हो सकता है वोवेल कॉन्सोनेंट हो या हो सकता है ऑड इवन हो, देखते हैं क्या बनेगा। रोम में क्या है एक बार चेक करते हैं, 18, 15, 1, 13, तो यहाँ पे हो गया 7, मतलब 18 का 7 हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे 5 और 1 का कितना हो गया 6, 1 का 1 ही है, 3 और 1 का कितना हो गया, 3 और 1 का भी घट गया, ठीक है ना, 3 और 1 का भी घट गया। तो यानी कि एक तरह से माइनस किस में हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट में माइनस हो रहा है, वोवेल में ऐड हो रहा है, कॉन्सोनेंट में माइनस हो रहा है, वोवेल में ऐड हो रहा है, तो सीधा सीधा लॉजिक है। तो मेरे भाई फ्रीडम का भी यही कर दो, फ्रीडम का भी सेम कर दो, ठीक है ना। तो अब बस आगे देखो, 6 का तो 6 ही आएगा, 8 और 1 का डिफरेंस होगा तो 7 हो जाएगा, तो 6, 7 ये दोनों तो सूखे सूखे गए। उसके बाद 5, 5 एक जैसे ही रहेगा, फिर 4 भी वही पे है, यहाँ पे अलग है, इसमें चेक करो 15 होगी, ये कौन वोवेल है तो जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बी इज़ द राइट आंसर। कॉन्सोनेंट में आप लोगों का सब्सट्रैक्ट हो रहा है, वोवेल में ऐड हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, कॉन्सोनेंट में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, वोवेल में ऐड हो रहा है। यहाँ पे 5, 5, 4 ऐसे ही, यहाँ पे 13 है तो सब्सट्रैक्ट हो गया, 3 और 1 का 2 बन गया, क्लियर है। चलो इसका बताओ मेरे भाई, एक नंबर शानदार क्वेश्चन है, इसका लॉजिक नहीं सोच पाओगे, इसका बता के दिखाओ। क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, सब लोगों का क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना, क्लास इज रनिंग, बफर वगैरह तो नहीं हो रहा कुछ, एक बार जरा चेक करके बता दो मुझे, सभी लोग बफर वगैरह तो नहीं हो रहा है ना, एक सेकेंड यार कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। 12, 12, 12 कह रहे हो, 12 इज़ द रॉन्ग आंसर, 12 गलत है, 12 गलत है, ये लो 12 गलत है, 12 गलत है, 12 गलत है, ऑल ओके ऑल ओके, स्किप कर दिया रोहित भाई कह रहे हैं, कोई बात नहीं दीपक जी, ऑल क्लियर ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो सबसे बढ़िया लॉजिक, इधर समझना, सबसे बढ़िया लॉजिक दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया, नेक्स्ट प्राइम नंबर है, देखो इधर सुनना लॉजिक क्या है, इसको कहीं पे नोट कर लेना सब लोग, नेक्स्ट प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है, क्या है नेक्स्ट प्राइम नंबर, एक के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 2, जैसे ए और एफ है ना, अगला प्राइम नंबर देखो 2, और 6 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, दोनों को जोड़ दिया तो 9 बन गया, एक के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, एक के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 2, एक के बाद अगला प्राइम नंबर 2, दोनों को जोड़ दिया 4 बन गया, समझ में आया। तो इसी तरह से ए और ई का कर दो, ए के बाद अगला प्राइम नंबर 1 और 5 के बाद अगला प्राइम नंबर भी 7 होता है, एक के बाद अगला प्राइम नंबर 2 और 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ना, तो सही जवाब क्या होगा, 9 बिल्कुल सही जवाब होगा, 9 इज द राइट आंसर, 9 होगा मेरे भाई। नेक्स्ट प्राइम नंबर का लॉजिक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, सही है। चलिए इसका जवाब बताएं मेरे भाई, इसका जवाब यहां पे क्या बनेगा, हाँ हाँ मेरे भाई 9 को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दो, ताला मार दो। चलो अब इसका जवाब सोचो मेरे भाई, इसका जवाब यहाँ पे क्या आने वाला है, फटाफट से तुरंत प्रभाव के साथ, इसका जवाब यहाँ पे क्या आएगा, देखो वैल्यू हर बार कुछ ना कुछ बढ़ती हुई सी दिख रही है, दिख रही है, देखते ही समझ में आ सकता है। हाँ 9 हो गया इस वाले क्वेश्चन का जवाब, देखो सबके आंसर बदल गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जवाब क्या बनेगा मेरे भाई, ये अप्लाई वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस से पता चलेगा क्रिएशन भाई, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल गोयल जी 114 जवाब आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पे 9 का 3 गुना 27, 27 में 1 जोड़ दिया 28, 28 का 3 गुना 88, 28 का 3 गुना कितना होता है 84,
है ना, 84 में 1 ऐड कर दिया 85, 16 का 3 गुना 48, 48 और 1 49, 49 का 3 गुना यानी कि 147 प्लस 1 148, 12 थी 36 और 1 37, तो 37 इंटू 3 प्लस 1, 37 इंटू 3 करो, ठीक है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 11, नहीं 7 या 21 1 कैरी और 3 तीन 9 और 2 11, हाँ तो 111 आ रहा है, 111 और 112 इज़ द राइट आंसर, 112 बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई, 112 बिल्कुल सही जवाब होगा, 114 वालों का जवाब गलत हो रहा है, 112 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, लॉजिक समझ में आ गया, नहीं 114 वालों का जवाब गलत हो रहा है, 112 आ रहा है सही जवाब, क्लियर है मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा। चलिए अगला, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं यार, ये तो मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कराने में, जल्दी से इसका बता दें इसमें कितने ट्राइंगल हैं गिन के। हाँ मेरे भाई सही बात है, पब्लिक टॉक से आप बोल रहे हैं, तुक्का था कन्फर्म, 114 तो सही बात है, इसका बताएं इसका क्या होगा, बताएं इसमें क्या आएगा, एक और दो का टोटल 3, एक और दो का टोटल 3, एक और दो का टोटल 3, 3 और 3 6 और 3 9, एक और दो का टोटल 3, एक और दो का टोटल 3, एक और दो का टोटल 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 9 कितना होगा 18, आगे बढ़ते हैं। हाँ नीलम जी ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, लॉजिक का ढूंढना, 31 जवाब आ रहा है, 9 और 9 18, 18 के बाद एक और दो यहाँ पे भी 3, एक और दो यहाँ पे भी 3, ठीक है ना, 18 और 6 24 हो गए, 24 के बाद में अगर मैं इसमें बात करूँ तो मैं इसको भी रुक जाओ, सब लोग कमेंट बॉक्स में बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, इसको भी मैं 3 बोल सकता हूँ कि नहीं, बड़े वाले को सर ये बन गया 1 और ये बन गया 2 और एक पूरा बड़ा 3, तो ये भी 3 का बन जाएगा और ये भी कितने का बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, हाँ या ना, ये भी 3 का और ये भी 3 का, 3 और 3 कितना 6, तो 30 हो गया और ये 31 हो गया, 31 इज़ द राइट आंसर, 31 बिल्कुल सही जवाब है, 30 नहीं होगा मेरे भाई 31 होगा, 31 हाँ बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, बताओ इसका क्या होगा मेरे भाई, लगाओ दिमाग इसमें क्या बनेगा। हाँ नीलम जी की कमेंट मैंने पढ़ ली, पवन भाई बबली जी अनिकेत जी छवि जी सब लोगों की मैंने कमेंट पढ़ ली, ऐसा नहीं है किसी की कमेंट नहीं पढ़ता, सबकी कमेंट पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, मेरे भाई नीलम जी आप लोगों को प्रैक्टिस से पता चल जाएगा किसमें कौन सा लॉजिक है, तभी तो डेली आता हूँ क्लास लेके, और बताओ देखो मैं एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है मेरे पास कि यहाँ पर एक पेड़ उगा हुआ है और मैं बोलूँ अमावस्या की रात को ठीक 8 बजे मुझे मिलना, उस दिन मिलके हवन करेंगे और मेरे भाई उसके हवन से निकले हुए धुएं को आप लोग पी लेना और आप लोगों का लॉजिक कभी गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, आप 100 क्वेश्चन लगाने में महारथी जिस दिन हो गए और उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कन्फर्म जवाब भी मिल जाएगा नीलम जी, ठीक है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चा। सी जवाब आ रहा है सी, चलो देखते हैं एक बार, देखो इधर सर वाटर के पूरे वर्ल्ड हैं और मैंने एक बार कितनी बार समझाई, अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर हिंदी में ना दे तो उसी में दिमाग लगाओ, इधर देखो टी ए आर को उल्टा लिख दिया है, देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, वाटर के 3 अक्षरों को उल्टा लिख दिया है टी ए डब्ल्यू और पीछे के 2 अक्षरों को उल्टा लिख दिया है आर ई, सेम कंडीशन ग्रेन में करो, शुरुआत के 3 अक्षरों को उल्टा लिखो ए आर जी और पीछे के 2 अक्षरों को उल्टा लिखो एन आई, ए आर जी एन आई, सी बिल्कुल सही जवाब है, सही है, चलो इधर इसका जवाब बताओ, सही बात है धीरज जी, प्रैक्टिस जो है वही परफेक्ट बनाती है आदमी को, और कोई नहीं बनाता, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है सबको, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, बताओ इसका क्या होगा, अरे और क्या करेंगे, बस गाना गा लो सबके सब इसी बात में, चलो इसका बताओ, हवन करेंगे है ना, चलो पढ़ाई करो अब सबके सब, 245 का 132 बनाए, 256 का क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में लग जानी चाहिए दिमाग में फटाफट से तुरंत प्रभाव के साथ, 132 तो ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में आना चाहिए, 132 का मतलब क्या होता है, 11 के स्क्वायर में या तो 11 जोड़ा गया है या 12 के स्क्वायर में से 12 घटाया गया है तब जाके 132 बनता है, इस रिदम को रट लो रट लो रट लो रट लो, ठीक है ना, तो मेरे भाई 2 प्लस 4 प्लस 5
पाँचों चार, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह के स्क्वायर प्लस ग्यारह 132, 2 + 5 + 6 छः और पाँच, वो सॉरी सात और पाँच 13, 13 का स्क्वायर प्लस 13 169 में 13 ऐड कर दो 182 इज़ द राइट आंसर, 182 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? बताएं नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। चलो कोई बात नहीं हितेश भाई, 132 देखते ही आपके मन की भावनाएं प्रबल प्रबल वेग के साथ में पीक पे होनी चाहिए, मतलब वहां पे जैसे ही आपको 132 देखे आपके मन की भावनाएं प्रबल वेग के साथ में उड़ जानी चाहिए, यू नो 11 का स्क्वायर है या 12 का स्क्वायर है। आहा बहुत बढ़िया। चलो इसमें ट्राइंगल बताओ फटाफट से तुरंत प्रभाव के साथ, 20, 19, 18 जवाब आ रहा है कुछ लोगों का, 20 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है, स्किप कर रहे हैं सुधीर भाई अपने। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले सूखे सूखे गिनो, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो यही हो गए, फिर ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, 14 दिख गए। देखो 3 और 3 6 और 3 9, 10 11 12 13 और ये 14, 14 तक दिख गए सबको। अब मेरे भाई आगे देखना, ये देखते जाओ, टेंशन ना लो, देखते जाओ। अब मेरे भाई हिडन वाले देखो, हिडन वाले 14 हो गए, 14 के बाद ये वाला मिला के 15, देखा ये वाला इसके साथ मिला के 16, देखा ठीक है ना, ये वाला इस ये वाला सबसे छोटा, देखा ये कितने हो गए 16, ये 17, फिर ये वाला भी, ये कितना 18। तो मेरा भाई 18 तक दिख गए होंगे सबको अच्छे से, मैं फिर से पेन का कलर बदल रहा हूँ जिससे और आपको अच्छे से दिखे। 18 के बाद एक ये बड़ा 19 दिख गया होगा, आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं होगी, 19 तक में 19 तक दिख गए, 20 आ रहे हैं, चलो 19 तक दिख गए होंगे, आई होप सो बढ़िया से किसी को दिक्कत नहीं होगी। 19 के बाद आगे देखते हैं मेरे भाई 20वां कौन सा बचा रह गया। अब एक बार और, अब एक काम ये करते हैं, ये वाला बन पाएगा नहीं, ये वाला नहीं बन पाएगा, ये वाला भी नहीं बन पाएगा, और कौन सा रह गया अपना, ये बड़ा वाला भी काउंट हो चुका है सर, ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, देखा ठीक है ना, ये वाला और बन जाएगा। तो एक सेकंड रुक जाना मेरे भाई, 20 से ज़्यादा हो जाएंगे इसमें, आप लोगों का जवाब गलत हो रहा है लग रहा है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ सबको बढ़िया से, एक सेकंड सुनो सब लोग, 20 से ज़्यादा बन जाएंगे, आप लोगों का जवाब हो रहा है शायद गलत, देख लेते हैं एक बार फिर से अपनी बात है। इधर देखो 3 इधर 3 इधर और 3 इधर 9, फिर ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 ठीक है ना, 14 के बाद देखने शुरू करना, इसको 15 बोल दो, इसको 15 बोल दो शायद, या तो इसे मैंने ले लिया था या नहीं लिया था देखते हैं। ये वाला हो जाएगा आपका 16, ये वाला हो जाएगा आपका 17, ये वाला हो जाएगा आपका 18 और नीचे की तरफ वाला हो जाएगा आपका 19, 19 दिख गए ठीक है। अब सर एक ये वाला बन जाएगा आपका 20, ये वाला बन गया 20, और मेरे भाई मेरे दोस्त एक ये वाला और बनेगा जो कहलाएगा 21। तो मेरे भाई यहाँ पे सही जवाब होगा NOT, NOT इज़ द राइट आंसर ठीक है ना। हाँ मेरे भाई NOT बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे, क्योंकि अपन लोगों का ये भी तो बनेगा ना, तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ रहा है, NOT आ रहा है, 21 बन रहे हैं 21। ये वाला बहुत सारे लोगों ने नहीं गिना होगा, ये वाला रह गया होगा ज़रूर, तो ये वाला एक सीधा साधा बेचारा बन रहा है, तो ये भी एक काउंट होगा, तो 21 इज़ द राइट आंसर, नॉट आउट होगा इस क्वेश्चन में सबके साथ। चलो कोई नहीं है, इसका जवाब बताओ, ये बता दोगे, गई सबकी पानी में भैंस, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, अरे आजकल भैंस चराने भी बाहर मत जाओ, करोना इतना है, अब तो जानवरों में भी फैल रहा है ठीक है ना। चलो चलो चलो, आजकल तो घर में ही भैंस चराओ, सही है, चलो बहुत सही। सेम नंबर आया है, कॉन्सेप्ट पता होगा शायद, सेम नंबर आया है, कॉन्सेप्ट पता होगा सबको, सेम नंबर पे
40 40 52 70 150 आगे क्या बताएं? 40 40 52 150 170 70 आगे क्या बताएं? बताओ चलो, देखो इधर सेम नंबर आ रहा है। हाँ सर सेम नंबर आ रहा है, 40 से 40 आ रहा है। मैंने कई बार बताया है सेम नंबर आने पे क्या होता है, या तो क्यूब में से नंबर, या तो स्क्वायर में से नंबर, या क्यूब में से स्क्वायर। इन तीनों को रट लो, इन तीनों को रट लो, इन तीनों को रट लो, ठीक है ना, इन तीनों को रट लो, बस इतनी बात करो, इन तीनों को रट लो। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई दिख रहा है सर? डिफरेंस दिख रहा है 0 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है सर? डिफरेंस दिख रहा है 12 का। यहाँ पे मेरे भाई 18 का डिफरेंस दिख रहा है। अच्छे दिन हाँ मेरे भाई सुधीर भाई। चलो इधर बताओ, यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे 80 का अंतर दिख रहा है। समझ में आ गया होगा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा आया सर। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। एक बार घट रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जोड़ रहा है, अगली बार घटेगा, अगली बार घटेगा। मतलब 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 125 में 25 जाएंगे, मतलब 100 अंतर पैदा कर रहा होगा, तो 250 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 250 इज द राइट आंसर, 250 आएगा। चलो इसका बताओ, इंटेलिजेंस का क्या होगा? अरे क्या हो गया रसिया में? अरे मेरी तरफ ध्यान दे दो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, सबके सब विदेशी लोगों में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे टीचर को कोई मतलब ही नहीं है। चलो इधर पढ़ाई करो, यहाँ पे बताएं इंटेलिजेंस से कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बन सकता है? डी तो है ही नहीं, थर्ड वाला तो सूखा सूखा गया। और कोई देखो कौन सा बन सकता है, नेगलेट, इंटरनल, इंटरवल, कौन सा बन रहा है? वी भी नहीं है, ये भी सूखा सूखा गया। एन ई जी एल, एल है, ई है, सी है, नेगलेट ही बन रहा है यार, नेगलेट ही बन रहा है, पहला वाला भी बन रहा है क्या? आर भी नहीं है, ये भी गया, नेगलेट ही बन रहा है बस, नेगलेट ही बन रहा है बस, और कोई नहीं बन रहा। नज़रअंदाज, क्या बात है मेरे भाई, ये किसने कहा नज़रअंदाज? रोहित भाई ने कहा है अपने, नज़रअंदाज हिंदी वाली बात, क्या बात है मेरे भाई, जियो मेरे लाल, बहुत बढ़िया। चलो चलो ऐ पढ़ाई कर लो अभी वाली, सब लोग बताओ यहाँ पे रिप्लेसमेंट में कौन सा क्वेश्चन मार्क आएगा, बताएं कौन सा क्वेश्चन मार्क आएगा, बताइए क्या लग रहा है सर? ये तो सबसे आसान है, बड़ी वैल्यू बनानी है, लड्डू सा क्वेश्चन है सर। 10 और 5 15 और 6 21, 21 का दुगना 42, आसान क्वेश्चन, सीधा साधा क्वेश्चन सर। यहाँ पे 92 बना होगा, किसी का डबल हो गया, किसका डबल होके बना होगा मेरे भाई? 46 का, टोटल 46 होना चाहिए। तो 15 और 8 कितना हो गया? 23, तो यहाँ पे 23 और आ रहा होगा, 23 इज द राइट आंसर। अगला, ठीक है ना, इसका बताओ, इसका क्या होगा? सेवन से 85 बनाया तो उससे क्या बनेगा बताएं? चलो इसका आज आंसर दो, क्या होगा मेरे भाई? 7 से 85 बनाए किससे क्या बनेगा? सात का स्क्वायर प्लस उसके प्रीवियस नंबर का स्क्वायर, छोटा सा लॉजिक है, 113 बिल्कुल सही देख रहे हैं। सात का स्क्वायर प्लस उसके प्रीवियस नंबर का स्क्वायर, 49 प्लस 36 85। सेम कंडीशन, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 मतलब उससे पहले आता है, 8 के पहले, 8 के पहले 7, 64 और 49, तो 113 बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो सबके सब, बहुत तेज़ी से लॉजिक पहचान रहे हो, एक अच्छी बात हो गई है। इसमें बताएं इसका जो क्या जवाब होगा, पहले से होशियार हो गए हो सबके सब, बहुत सही है। कुछ अलग क्वेश्चन लाने पड़ेंगे फिर तो, सही है। चलो बहुत बढ़िया, पेचकस, स्पैनर, पिकलर, चाकू,
बताएं क्या अलग है मेरे भाई, इमेज से भी समझ में आ रहा है, चाकू अलग है, बाकी सब इक्विपमेंट का हिस्सा है, चाकू इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं होता, चाकू एक तरह से आप लोगों का नॉर्मली चीज़ों में काम आता है, चाकू इज़ द राइट आंसर, इसका बताएं, इसका जवाब सोचिए, सीधा साधा क्वेश्चन है, तुरंत प्रभाव के साथ बनाइए, 20 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है इसमें, 20 सेकंड बहुत ज़्यादा है, अगर लॉजिक कुछ और सोचते हो तो और डांट खाओगे, जल्दी सोचो, नाइफ नाइफ नाइफ, पूरी क्लास का जवाब आया, बिल्कुल सही है चाकू, सही है सर, 12 से 36 कैसे बनेगा, 12 तिया 36 माइनस एक, क्योंकि 36 ही तो बन रहा है, 16 तिया 48 माइनस एक 47, 47 इज़ द राइट आंसर, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन में नहीं है, आप कुछ और सोचना पड़ेगा, आप कुछ और सोचो, अरे यार ऑप्शन में होता तो हो जाता, अब 6 बनाने के बारे में सोचो, 12 का आधा 6 का स्क्वायर 36 माइनस एक 35, 16 का आधा 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक 63, 63 इज़ द राइट आंसर, 63 आ रहा है, अगला 5 का 100 7 का गया, सीधा साधा क्वेश्चन है, 5 का 100 7 का गया, हाँ 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 63 जो आ गया, पूरी क्लास का सही है, बहुत बढ़िया, 5 की वैल्यू 100 है, 7 की वैल्यू क्या है बताइए, 5 मीनिंग 100 और 7 मीनिंग क्या, 5 का स्क्वायर × 4 100 × 4 मतलब 5 का स्क्वायर 25 × 4 100, 7 का स्क्वायर 49 49 का 4 गुना कितना होगा 196 196, अगला नहीं 98 नहीं होगा, 98 वालों का जवाब गलत है, 25 का स्क्वायर करके 4 गुना है ना, दुगना थोड़ी ना है, देखो हितेश भाई गलत हो गया, 98 नहीं होगा 196 होगा, 4 गुना होगा, 49 का होगा ना, सबका जवाब गलत हो गया यहाँ पे, इसका बताओ, चलो इसका जवाब क्या होगा, तुरंत प्रभाव के साथ पूरी क्लास का जवाब आ जाना चाहिए, तुरंत प्रभाव के साथ पूरी क्लास का जवाब आ जाना चाहिए, बताएं तुरंत प्रभाव के साथ पूरी क्लास का जवाब, ये क्वेश्चन सबसे आसान है, बताएं आज के सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन नहीं है, इस टू सिंपल मेरे भाई, इससे आसान ना मिलेगा, 55 जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, 55 इज़ द राइट आंसर, सर 6 और 1 को जोड़ो 7 बनेगा, 5 और 2 को जोड़ो 7 बनेगा, समझ में आया सबको लॉजिक, इधर देखो 3 और 2 को जोड़ो 5 बनेगा, 5 और 2 को जोड़ो 7 बनेगा, 3 और 2 को जोड़ो 5 बनेगा, 3 और 2 को जोड़ो 5 बनेगा, 55 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 55 इज़ द राइट आंसर, 55 बिल्कुल सही जवाब है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका जवाब क्या होगा मेरे भाई बता दो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका जवाब क्या है, तेरह बारह सोलह सात 23 क्वेश्चन मार्क, बताएं क्या होगा, बताइए सर, सिंपल डिफरेंस 1 का 4 जोड़ रहे हैं, 9 घटा रहे हैं, 16 जोड़ रहे हैं, अगली बार 25 घटाएंगे, स्क्वायर चल रहे हैं घटते बढ़ते क्रम में, मतलब -2 इज द राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन, अगला बताइए मेरे भाई इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो यार, फटाफट से एक बार इतना सा कर दो सभी लोग जल्दी से, ठीक है ना, ताकि मुझे कल के लिए मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों से कल के लिए एक बार मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बढ़िया क्वेश्चन लाने हैं, 10/3 15/4 कई बार हुआ है, नॉर्मल है 10/3 15/4, अच्छा एक बात ये बताइए, मैं 2.5 को क्या बोल सकता हूँ, 2.5 को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ सर, 5/2 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, तो कुछ दिख रहा है 2 3 4 5 10 15, अगली बार 20/5 आएगा, 20/5 मतलब 4, 5/5 का बढ़ता हुआ क्रम है, अगली बार 25/6 आ रहा होगा, तो 25/6 इज द राइट आंसर, डी वाला नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है चलो इसका बताओ, इसका जवाब क्या होगा, 1 तक देखना झप्पी लेना देखो झलक, 1 तक देखना झप्पी लेना देखो झलक, एक तक देखना झप्पी लेना देखो और झलक, बताएं
सही जवाब होगा झप्पी लेना, देखना झलक देखो, इन सब में इंसान देखता है, झप्पी लेने में वो गले मिलता है ना, बाकी में फिजिकली टच नहीं है, इसमें फिजिकल टच हो रहा है। इसका जवाब, इसका जवाब मेरे भाई, इसका बताएं। हाँ मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, बहुत बढ़िया। इसका जवाब क्या होगा? देखो क्यू का बी है, क्यू का बी है, वाटर इमेज है ये, क्यू वाटर इमेज रख दूं तो ये बन जाएगा आपका डी, वाटर इमेज है, हाँ है ना, वाटर इमेज है तो मेरे भाई ये बी है। अब इसकी वाटर इमेज क्या होगी? ये हो जाएगा पी, गोला रहेगा उधर ही, ए इज द राइट आंसर। अगला इस सीरीज को सॉल्व करें, यहाँ पे आजू अभी ज्योतिका जी, सलोनी जी, अविता जी, सुधीर साहब, प्रिया जी, गुड़िया जी, सरोनी जी, रश्मि सोनी, मासूम लड़की, ज्योतिका, निंजा, अनिकेत, मणिपाल मंडल, पब्लिक टॉक साहब, बबली जी, सब लोग का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। इसका जवाब क्या होगा? मलिक जी का भी जवाब आ रहा है, इसका बताएं। अब दिमाग लगा रहे हो, सब सोच सोचने में लग गए है ना। हाँ हाँ पी हो गया, पी हो गया, पी के आगे बताओ मेरे भाई, पी के आगे बताओ। अब इसका जवाब क्या है? क्या वो 149 है, क्या वो 169 है, क्या वो 159 है, क्या वो 139 है, क्या लग रहा है लॉजिक में, सीरीज में बताइए। यमुना सागर पटना जी वाले, दीपक भाई, कृष्णा ओझा, बहुत बढ़िया। चलो अब कमेंट थोड़ी देर के लिए थम गए हैं, मैं एक काम ही करता हूँ, मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, बहुत जल्दी नहीं लेते हुए, 139 नहीं होगा। चलो इधर देखो सब लोग, 149 जवाब आ रहा है, 149 भी शायद नहीं होगा। चलो इधर देखो सबके सब, अब दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, बड़े खुश हो गए होंगे। अब सर इधर देखो, सब लोग ध्यान से समझना, नॉर्मल लॉजिक क्या है, चीज़ों के साथ में समझो, सही है। दो पे एक की पावर, नया लॉजिक है, कुछ नया है, नोट कर लेना, नोट कर लेना। दो पे एक की पावर दो, दो में पाँच जोड़ दिया कितना होता है? सात। दो पे दो की पावर कितना होता है? चार। चार में तीन जोड़ दिया, नहीं चार में कितना जोड़ दिया आप? छः, दस। दो पे तीन की पावर आठ, आठ में कितना जोड़ दिया? सात। आठ और सात पंद्रह, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। दो पे चार की पावर, ठीक है ना, तो सोलह, सोलह में आप कितना जोड़ दिया? आठ, चौबीस। दो पे पाँच की पावर बत्तीस, बत्तीस में कितना जोड़ दिया मेरे भाई? नौ, 41। दो पे छः की पावर 64, 64 में 10 जोड़ दिया 74। अब अगली बार टू पे सेवन की पावर ऐड के टू पे इतना आएगा, तो 64 का डबल 128 होगा, 128 में 11 ऐड होगा, है ना, 139 ही आ रहा है। टू पे सिक्स की पावर हो गई 10, टू पे सेवन की पावर, सही तो लिया है ना, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी चौंसठ, और 64 का डबल 128, सही है यार, तो 139 ही आ रहा है, 139 ही है, सही है सही है सही है, 139 इज़ द राइट आंसर। गजब का जवाब, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चारों में से एक। बब देखो निंजा भाई का जवाब अलग आ रहा था। चलो खैर 139 सही जवाब हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन की जो विजेता है वो है क्या, आरजू प्रवीण जी, उनका जवाब सही जा रहा था 139 के लिए। इतना दिमाग कहाँ से लगा जाएगा पेपर में मेरे भाई, तभी तो क्लास है, तभी तो सोचो। बहुत बढ़िया, थैंक यू मलिक भाई, अरे वाह आज तो मलिक भाई ने मेरी आवाज़ की तारीफ करी, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। चलो पढ़ाई करो, पढ़ के जाओ, इसका क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा, बताएं इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है। कोई बात नहीं है प्रिया जी, अपना लॉजिक ज़रूर शेयर करना टेलीग्राम में, मेरे टेलीग्राम में ज़रूर अपना लॉजिक ज़रूर शेयर करना, आपका क्या था। हाँ वो गैप भी हो सकता है निंजा भाई, वो गैप लेके भी वही चीज़ बनेगी ना, क्योंकि दो का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही जा रहा है, दो का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही जा रहा है, गैप लेके भी वही चीज़ बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल क्रिएशन भाई, देखो नॉर्मल लॉजिक है, तीन एक बीस कितना होता है? चौबीस। नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिया, बेसिक पुराना लॉजिक एडिशन करके नंबर ऑफ लेटर का डिवाइड है,
24 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 8, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 4, 6 5 4 15, 3 से डिवाइड 5 आ गया, 5 इज द राइट आंसर। सही है, चलो अगला बताओ, इसका सोचो, इसका तो जवाब सीधा है मेरा ख्याल है, दे दोगे पूरी क्लास, इसका जवाब मेरा ख्याल है पूरी क्लास दे सकती है। हाँ संतोष भाई सही जवाब जा रहा है, इसका बताएं, बहुत बढ़िया सभी लोग अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। जो भी लोग नए हो एक तो एक दो काम करो, इस टेलीग्राम में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको अपकमिंग एग्जाम की वो अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से इस टेलीग्राम में भी जुड़ जाओ, दोनों में मिल जाएगा। क्या लग रहा है, देखो फनीएस्ट वीडियोस आपने फनी कर दिया, इसका क्या बनेगा मेरे भाई जवाब, शुरुआत के तीनों नंबर जोड़ के पीछे वाले का इंटू है, बड़ी वैल्यू आए तो दिमाग लगाया करो। देखो सर इधर देखो, शुरुआत के तीनों नंबर जोड़ो, पाँच और पाँच दस, दस का तीन गुना पचास, तीस सॉरी, दस का तीन गुना तीस, चार और दो छः और एक सात, सात का पाँच गुना 35 इज द राइट आंसर, 35 बिल्कुल सही जवाब होगा। 30 वालों का जवाब यहाँ पे गलत हो गया, 35 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, शुरुआत के तीन नंबर जोड़ के लास्ट वाले का इंटू है, ठीक है 30 इज द राइट आंसर। पब्लिक टॉक भाई गलत हो गया, ठीक है तो 30 बिल्कुल सही जवाब है। इसका बताएं इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, देखो मेरे भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40 के आसपास क्वेश्चन करवाऊँ, 30 का लेवल मैंने 40 कर दिया है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरे भाई अब पेपर तो आने ही वाला है, फटाफट से सब लोग अपनी ऐसे अच्छे से तैयार रहो, मोटिवेट रहो। हाँ इतना ईजी था मेरे भाई, सुधीर भाई बोल रहे हैं सर इतना ईजी था, वही तो वही वाली बात होती है, वैसे तो मैं बड़ा सख्त हूँ लेकिन कभी कभी पिघल जाता हूँ, वही वाला हिसाब है ना। चलो इसका बताओ इसका कितना है, सूखे सूखे देखो, तेरा जवाब आना शुरू हो गया, सबसे पहले सूखे सूखे देखो जो सूखे सूखे दिख रहे हैं, एक और दो मिलाओ तो तीन, इसको पकड़ो, एक और दो मिलाओ कि बड़े, देखो छोटे वाले का तीन हो गया, छोटे वाले का तीन हो गया, अब बड़े वाले का ले लो, बड़े वाले का भी तीन हो गया तो छः, और एक ये वाला ले लो, एक और दो, ये भी कितना हो जाएगा तीन, तीन और तीन छः और तीन नौ, नौ दिख गए, नौ के बाद, अब नौ के बाद देखते हैं किधर किधर पड़ा हुआ है अपना भाई, और ये दस, ये चुटकू सा ग्यारह दिख रहा है, चुटकू चुटकू, अब ये बड़ा वाला तो ऑलरेडी तीन में काउंट हो गया, और ये बारह, बारह दिखा चुटकू, और ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा तेरह, 13 इज द राइट आंसर, 13 है, सही है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या था मेरे भाई, जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद, और जो भी आंसर मुझे करेंगे उनका नाम जैसे डेली रहता है वैसे ही मैं रखूँगा। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंद्रा सीजनिंग, इसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, कुलदीप महिंद्रा सीजनिंग ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, इसमें सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट से। डेली क्लास चलती है शाम को 8:30 बजे, कितने बजे, शाम को 8:30 बजे डेली क्लास चलती है, ठीक है ना, तो फटाफट से इस सेशन में जुड़ जाओ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप लोगों को अपकमिंग एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना जिससे अपकमिंग एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन मिल जाए, और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना सभी लोग, सही है। चलो टेक केयर, सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई करो, अपना अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, बढ़िया से स्टडी करो, घर पर रहो और सेफ रहो, ठीक है। डेली क्लास 8:30 बजे चलती है, टेलीग्राम में डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, कोई डाउट भी रह जाए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ देखो मेरे को खुद पता नहीं चलता कहाँ टाइम निकल जाता है, मेरे को खुद पता नहीं चलता कहाँ टाइम निकल जाता है, तो बस यही वाली बात है।